6 7 8 9 चार क्वेश्चन करने, 6 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 6 पे आते भाई। तो भाई इन द मंथ ऑफ मे, मे में करंट फाइनेंशियल ईयर में आरटी लिमिटेड वो सोल्ड, उनका जो शेयर्स है वो 1460 रुपए में बिका है, 1460 रुपए में बिका है, इनका मार्केट प्राइस हो गया 1460। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट जो है इनकी जी जो है वो कितनी है, 7.5%। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, मतलब डी वन बोल दूँ मैं इसको, एक्सपेक्टेड बोला है। अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक दो जगह पर इसमें बहुत चर्चा करी है और गलत भी है इसमें एक दो जगह पे, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जहाँ एक्सपेक्टेड दे रहा शीट में, हाँ बुक में नहीं था, शीट में था, लेकिन वो शीट में आरटीपी एमटीपी के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। एक्सपेक्टेड अगर दे रखा है तो वो डी वन ही है, उसमें ग्रोथ हैड, वो लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है या पेड डिविडेंड होता है तो उसमें ग्रोथ हैड करते हैं, याद है ना तुम्हें ये चीज़ बराबर से, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट, अज्यूम दैट द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.5%। भाई ये कह रहा है कि डिविडेंड इसी रेट से आगे भी ग्रो करेंगे, तो अगर डिविडेंड इसी रेट से आगे भी ग्रो करेंगे तो मतलब 7.5 ही ग्रोथ है तुम्हारी, तो 7.5 ग्रोथ है। अब इन्वेस्टर का रिटर्न पूछा है, इन्वेस्टर का रिटर्न हमारे लिए के ही हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ते थे, जो मेरी कॉस्ट वो तुम्हारा रिटर्न, तो एक तरीके से के ही पूछा है इसने, ठीक है। तो अगर हम के ही निकालें तो फॉर्मूला लगेगा डी वन ऑन प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ, तो सब कुछ ही तो अवेलेबल है, तो डिविडेंड 20 है, मार्केट प्राइस 1460 है, इंटू 100 है और ग्रोथ 7.5 है, 8.87। एक बार चेक कर लो इसको, परसेंटेज में आएगी है के ही। इसका पार्ट वन सॉल्व किया अपन ने, 9.7 है, क्यों ऐड करा है, गलत है तो सही करो तुम लोग 100%, ठीक है। एक चीज़ में अगर वो फिर कंसेप्ट पूरे हिलाने वाले काम नहीं करने, ठीक है, वहाँ पे तो सही आएगा, एक्सपेक्टेड है, और मैंने आपको उस समय भी बोली थी, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, हर चीज़ में तुम नोट तो ज़रूर डाल के आना, ठीक है। जैसे इसमें तुम करोगे कि एज डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज गिवन, ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें ग्रोथ ऐड नहीं करी है, इसके हिसाब से क्या आएगा 8.97। अगर मैं इसमें 20 में 7.5% ग्रोथ ऐड कर दूँ तो, है ना। अब पार्ट टू पढ़ो इसको, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आरटी विल अर्न अबाउट 10% रिटर्न अर्निंग, मतलब आरटी जो है वो अपनी रिटेन अर्निंग पे 10% कमाती है, तो मतलब ये आर हो गया इनका आर, 10% कमाती है, ये आरटी लिमिटेड की बात कर रही है, मतलब कंपनी कमाने की बात कर रही है, तो कंपनी कितना कमाती है, 10% कमाती है, पार्ट भी पढ़ रहा हूँ इसका। और आप मान लो कि हम रिटेन करते हैं 60% अर्निंग का, अर्निंग का 60% रिटेन करने, तो बी हो गया ये, क्या हो गया ये हो गया रिटेंशन रेशो, जो कितना है 60%, टायर ध्यान देना 60%। और इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ एंड केई, केई में चेंज आएगा, आएगा ही आएगा, और ग्रोथ में भी आएगा, ग्रोथ तो ऐसे ही निकल गई, जी का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर, तो जी हो गया 10 का 60% मतलब 6%, कितना हो गया। अब बोला के ई में फ़र्क आएगा, तो के ई में भी फ़र्क आएगा, तो के ई में क्या फ़र्क आएगा कि इस फॉर्मूले में ग्रोथ 6 ले लो, ये है आम जिंदगी, और यहाँ हो गई तुमसे गलती। अगर मैं इसी फॉर्मूले में ग्रोथ 6% लेके कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि इसमें एक मेंटोर जिंदगी है, आपने ये जो डिविडेंड लिया ये 20 रुपया लिया है, तो अगर आज कंपनी रिटेंशन रेशियो 60% रखती है तो डिविडेंड 40% देगी, तो उससे डी भी चेंज होगा, तो वो डी जो है वो रिटेंशन रेशियो क्या था उसके हिसाब से होगा। मान लो पहले रिटेंशन रेशियो कुछ और रहा होगा, क्योंकि पहले ग्रोथ भी तो अलग था, तो पहले का रिटेंशन रेशियो क्या था वो देखना पड़ेगा, उससे डिविडेंड का वैल्यू पता चलेगा और उससे अर्निंग पता चलेगी, और उस अर्निंग का 60% हमें इस बार रिटेन करना है, तो 40 ही डिविडेंड देना है। लेट मी रिपीट अगेन, पहले आपकी ग्रोथ 7.5 थी,
तो ग्रोथ बी इंटू आर से निकाली जैसे मैंने अभी, तो पहले अगर बी इंटू आर से निकाली होगी तो मैं उसमें आर तो टेन ही ले लूँ, लेकिन बी को चेंज करूँ, क्योंकि अगर मैं इसे बोल रहा रिटेंशन रेशो हमने अब 60 किया है, तो पहले रिटेंशन रेशो ये नहीं होगा, और 60 करने पे इस बात का संकेत भी है कि 60 कर रहा हूँ तो जी 6% आ रहा है, तो पहले रिटेंशन रेशो कुछ और ही रहा होगा, तभी तो 7.5 आ रहा था जी, ठीक है, तो पहले जी 7.5 था, आर तो अभी भी 10 लूंगा, क्योंकि दो वेरिएबल को एक साथ तो चेंज कर नहीं सकता, वैसे भी अगर मेरे को दो वेरिएबल के अंदर ये एक वेरिएबल को चेंज करने की बोल रहा है तो मैं दूसरे को अपने आप थोड़ी चेंज करूंगा, उसको तो वही मानूंगा मैं, सिंपल सी मैक्स है, ठीक है। अब एक वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, दूसरे को चेंज नहीं कर रहा हूँ, उससे तीसरे में फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ 7.5 था वो 6 हो गया, तो इसका मतलब रिटेंशन पहले कुछ और रहा होगा, रिटेंशन पहले कुछ और रहा होगा तो डिविडेंड भी पहले कुछ और रहा होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 100 होता है, तो पहले का डिविडेंड अलग है, अभी का डिविडेंड फिर चेंज होगा, और अभी का डिविडेंड चेंज होगा तो हमें फिर डिविडेंड भी चेंज करके लेना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये जी तो निकल गया, अब हम क्या करेंगे, पहले की ग्रोथ लेंगे, पहले की ग्रोथ थी बी इंटू आर से, ठीक है 7.5, और पहले का बी हमें पता नहीं है, और आर तो वही ले रहा हूँ मैं 10, तो बी कितना रहा होगा पहले, लो इसको डिवाइड कर लो, 7.5 डिवाइड बाई 10, 75% आएगा, तो बी अर्लियर पहले बी कितना था 75%, तो पहले डिविडेंड पे आउट कितना रहा होगा 25, तो पहले अर्निंग कितनी रही होगी, ये जो डिविडेंड है 20, ये 25% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 80, कितना 80 आ गया, अब बाकी का इधर कर रहा हूँ, 80 आ गया। अब डिविडेंड आफ्टर चेंज इन बी, बी चेंज होने के बाद, अब बी कितना हो गया हमारा 60%, तो डीपीएस कितना आएगा, अर्निंग हमारी 80 है, 80 का 60% कितना आएगा 32, तो अब मैं के ही निकालूं, अरे सॉरी हाँ रिटेंशन 60 है तो हमारा ये 40%, ये तुमने 40% ही बताया ना, 8 4 32, अब के ही आएगा मेरा 32 अपॉन, मार्केट प्राइस के लिए कुछ नहीं बोला, तो 1460 इंटू 100, और ग्रोथ इस बार लूँगा मैं 6.8, इसकी शायद अलग आ रही होगी अगर ये 32 में फिर ग्रोथ ऐड करेगा तो, यही आ रही है, लो फिर तो फिर इसने ऊपर गलत ही किया है, इसे यहाँ पे तो ग्रोथ ऐड करी नहीं, मतलब इसने पूरा दे दिया, ठीक है, तो ये हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ग्रोथ ऐड नहीं होगी ऊपर, डिविडेंड तो इसने पूरा 32 ही दिया इसने, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्यों काटते कंफ्यूज लग रहा है, हाँ पूछ ले पूछ ले, हाँ नहीं डांटूंगा, क्लियर है सबको, हाँ पूनम पूछेगी, पूनम इसमें क्या दिक्कत है, हाँ कर कर कैसे करेंगे, कर तो ये सेम आता है क्या, मतलब तू उसको 107% की वैल्यू लेगी, कर मेरे हिसाब से तो गलत आएगा, गलत आएगा, मैं कह रहा हूँ ना तू ग्रोथ ऐड कर रही है इस वाले, ये मान लीजिए कि ये डिविडेंड के ऊपर 107% की वैल्यू है, जबकि वो जो डिविडेंड निकला है वो अर्निंग के ऊपर से निकला है, फिर उसमें ग्रोथ ऐड हुई है, ठीक है, तो इसी तरीके से होगा, आपको तो अर्निंग पहले निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम डिविडेंड किसके ऊपर देते हैं, अर्निंग के ऊपर देते हैं, और अर्निंग सीधे सीधे निकल सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं करा है, क्या करा है मैंने कि पहले ग्रोथ अगर 7.5 थी, आर 8 10 है, तो पहले भी 10 होगा, तो पहले रिटेंशन 75 होगा, पहले रिटेंशन 75 होगा तो डिविडेंड 25 होगा, तो वो जो डिविडेंड था वो 25 का वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 25 करा तो टोटल अर्निंग आई मेरी 80, अभी भी अगर मेरी अर्निंग 80, अच्छा इस तरीके से करने पर हम हर एस्पेक्ट में सही चल रहे हैं, इस बेवकूफ ने यहाँ पे अगर 20 में ग्रोथ ऐड करा था तो फिर ये 80 का उसका परसेंटेज लगाएगा 25%, तो उसमें तो 20 ही आएगा, और ये फॉर्मूला लगाते वक्त 20 पॉइंट समथिंग लेगा ग्रोथ ऐड करके, तो गलती हुआ ना ये, तो
तो यहाँ पे हमें बीसी लेना है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड टू पे है, 80 का 25% भी बीसी होता है, और यहाँ हमने डिविडेंड 40 कर दिया तो 80 का 40% 32 होता है, तो यहाँ 20 लेंगे, यहाँ 32 लेंगे, यहाँ 7.5 लेंगे, यहाँ 6 लेंगे, प्राइस दोनों में सेम लेंगे, हर एस्पेक्ट में बिल्कुल फिट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7, जल्दी ले, जल्दी फटाफट ले, कल का वीडियो डिविडेंड पॉलिसी में डल गया था क्या, किसी ने देखा था? तू नहीं आई थी ना कल, डल गया था नंबरिंग इलस्ट्रेशन नंबर वन पर सब सही थे उसमें? चलो ठीक है, हाँ आकाश लिमिटेड के 10 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स है और एक शेयर 150 रुपये का है, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके 10 लाख, और मार्केट प्राइस कितना है 150, और डिविडेंड 8 रुपये का है, DPS कितना है 8 रुपये का, और कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE कितना है 10%। अब तीन पार्ट में पूछा है, मार्केट प्राइस बताओ MM के हिसाब से डिविडेंड दूँ और ना दूँ, बहुत सिंपल। फिर नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने इशू करने पड़ेंगे अगर इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ का है और नेट इनकम 3 करोड़ है, बहुत सिंपल। फिर मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड देने या ना देने से, बहुत सिंपल, वही तीन स्टेप को तीन क्वेश्चन बना के पूछ लिया, कर ले इसको जल्दी से, ठीक है, फटाफट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में, व्हेन डिविडेंड इज पेड एंड व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, ठीक है। फॉर्मूला वॉर्मूला बहुत बार लिख चुके हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, फटाफट करेंगे। स्टेप वन, इसमें P1 निकालते हैं अपन, P0 कितना है, P0 150, 1+KE 10% -D, तो डिविडेंड दिया है ना इसमें, तो डिविडेंड दिया है, तो कितना डिविडेंड दिया है 8 रुपये का, तो 150 का 10% 165 में से 8 जाएंगे 157, और यहाँ पे जो है मैं डिविडेंड माइनस नहीं करूँगा तो 165 ही आ जाएगा, कितना जाएगा ये आएगा स्टेप वन। स्टेप टू, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है कितने का, 6 करोड़ का, तो 6 करोड़ माइनस, हमारे पास नेट इनकम 3 करोड़ है लेकिन 3 करोड़ में से हमें डिविडेंड भी देना है, तो 3 करोड़ में हमें डिविडेंड देना है 8 रुपये का, कितने का 8 रुपये का, और 10 लाख पे देना है तो 80 लाख, तो 0.8 करोड़ ये पैसा हमारे पास बचेगा, और एक शेयर इशू करेंगे हम 157 में, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, करो भाई। ठीक है, और अब स्टेप थ्री, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म में हम लोग लेते हैं पुराने शेयर नए शेयर दोनों मिलाकर, पुराने शेयर थे हमारे कितने 10 लाख, नए शेयर थे हमारे पास 242038 इंटू 157, माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट जो कितने का है 6 करोड़ का, और प्लस करते हैं रिटेन अर्निंग 3 करोड़ की, और डिवाइड करते हैं 1+KE, KE कितना है 10%, ये प्लस, ये पूरा लेना भाई शेयर, ये कम से कम 5वीं 6ठी बार कर रहे हैं और सेम बिल्कुल 15 करोड़, ठीक है। 8वीं करो, 8वीं एन निकालो तो 6 करोड़, और इसमें सीधा 3 करोड़ माइनस हो जाएगा, और एक शेयर 165 का है, हाँ, और अब वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालो, पुराने वाले शेयर कितने हैं 10 लाख प्लस 1818 इंटू एक शेयर कितने का है 165, माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी है 6 करोड़ और रिटेन अर्निंग कितनी है 3 करोड़, डिवाइड बाय 1+KE, तो ये भी कितना आएगा 15 करोड़। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सेम चल रहा है, चेक कर लो एक बार। देखो ना यार जल्दी कितनी आ रही है, यही है ना लास्ट का देख लो तुम, तो अगर ये सब सही आया तो 15 करोड़ सही आना चाहिए बस।
ऑप्शन नंबर सेवन है। थर्ड वाला सही नहीं यार, क्यों, वाय, कितना है दिखाओ। नहीं, इसने 2.42 लिया है इसको राउंड ऑफ में शेयर्स, और वो लिया है 1.82, वो भी राउंड ऑफ में लिया है, लेकिन तब भी राउंड ऑफ का इतना फर्क नहीं आता। अरे भाई, इसने डिवाइड बाय 1 प्लस के ही नहीं किया। तुम लोग इसको सॉल्व करो, सिर्फ ये 1 प्लस के ही मत करो, इसको सॉल्व करो। नहीं करा तो है, अच्छा हाँ, इसने सिर्फ शेयर्स की वैल्यू ली। अच्छा, शेयर्स ही पूछा था क्या, वैल्यू ऑफ फर्म नहीं पूछी थी। हाँ, सिर्फ वैल्यू ऑफ शेयर्स पूछी थी, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स में इसने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है, बाकी ये कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, उससे भी सेम ही आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म भी वही आएगी और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी वही आएगा, क्योंकि तुम देखो ना, बात का हिस्सा तो दोनों जगह सेम ही हो रहा है। जैसे यहाँ भी -6+3 है, यहाँ भी -6+3 है। ठीक है, तो अगर इसकी वजह से चेंज आना होता तो आता ना वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज। मतलब अगर मान लो यहाँ -6+3, यहाँ भी -6+3 है, तो जो भी चेंज हुआ है वो इधर ही तो हुआ है। ठीक है, बाकी का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर मार्केट वैल्यू सेम है तभी तो वैल्यू ऑफ फर्म सेम आई है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पे भी मैंने -6+3 किया है, यहाँ भी -6+3, तो इसकी वजह से क्या चेंज आएगा? सेम चीज कर रहा हूँ मैं तो। चलो, एट्थ, एच इज करंटली होल्डिंग 1 लाख शेयर्स एंड करंटली द शेयर्स इज ट्रेडिंग ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एट 50। क्वेश्चन नंबर एट, अभी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है, ये एच होल्ड कर रहा है कोई, मिस्टर एच के पास है ये 1 लाख शेयर्स, और मिस्टर अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज में वो कितना चल रहा है? 50 रुपये चल रहा है। नाउ ए हैज़ अ पॉलिसी, ए कौन आ गया अभी, ये वो तो एच था ना, हैं? ए हैव अ पॉलिसी टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ एनी डिविडेंड। ये मेरी बुक में गलत लिखा हुआ कि तुम्हारे में भी यही है? तो ऊपर एच से ए हो गया ये, तो या तो ये एच है या ए है, एक ही बंदे की बात हो रही होगी ना, दो की कैसे हो रही होगी? तो फिर ऊपर भी ए कर लेना उसे, तो भाई ये ए है, कौन है? ए। तो मिस्टर ए जो है उसकी पॉलिसी है कि वो डिविडेंड को हमेशा शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है, डिविडेंड को हमेशा शेयर्स में री इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, ये तुम्हें पता है ना, वो दो तरीके बताए थे मैंने फर्स्ट चैप्टर का एकदम पहला दिन जो स्टार्टिंग था, कि अपन लोग डिविडेंड जो मिलता है उसको कैश में देते हैं या तो, या कैश में ना देकर अपन उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसकी भी यही पॉलिसी है कि डिविडेंड कैश में नहीं लेता, जितना भी अमाउंट आता है उसे शेयर्स में कन्वर्ट करा लेता है। तो डिविडेंड इस बार डिक्लेयर हुआ है 10 रुपये का, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर दैट ए वुड गेट आफ्टर हिज, ये तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन है, क्या लेना देना? बिल्कुल देखो, 1 लाख शेयर है और हम जो डिविडेंड लेंगे इसको, डिविडेंड टू ए, वो कितना मिलेगा? 1 लाख शेयर पे 10 रुपये मतलब कितना? 10 लाख, ये वो शेयर्स में कन्वर्ट करा लेगा। तो इसको जो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? शेयर्स 10 लाख है और एक शेयर 50 रुपये का है, 20,000 शेयर्स मिलेंगे। नहीं, एक चेंज आएगा इसमें, रुको, मैंने आपको कहा था डिविडेंड देने के बाद शेयर का मार्केट प्राइस गिरता है, तो ये 50 में से 10 हटा के अब मार्केट प्राइस 40 रह जाएगा। ठीक है, तो 40 से करना इसको, कितना आएगा? तो इसके पास 25,000 शेयर और आएंगे, पहले के 1 लाख थे, तो इसके टोटल शेयर 1,25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1,25, चेक कर लो एक जना जल्दी से। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ याद रखना। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट ग्रुप में इन्वेस्टमेंट पढ़ाते वक्त भी बोली थी और एएस पढ़ाते वक्त भी बोली थी, मैं अलग अलग लेक्चरों में 5-6 बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के तुरंत बाद, और शायद यही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज़्यादा सही है, जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिकली भी दिख जाएगी।
कि कभी किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो तो उसके बाद देखना उसका मार्केट प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। बाकी की चीज़ों में तो मैंने बोला ना कि तुम वॉल्टर का और गॉर्डन का मॉडल अप्लाई करके देख लो, उससे मार्केट प्राइस वो नहीं आएगी जो तुमने, भले तुम कितनी भी स्टडी के साथ करो, लेकिन ये चीज़ तो तुम्हें प्रैक्टिकली भी दिख जाएगी कि कोई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा तो उसके बाद उसका मार्केट प्राइस नीचे आ जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपका पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ था, कंपनी ने वो पैसा आपको इन कैश कर दिया, तो अब वो पैसा हमारे पास कम हो गया, तो हमारी रिटेन अर्निंग कम हो गई, हमारी रिटेन अर्निंग कम हो गई तो हमारी बुक वैल्यू कम हुई, बुक वैल्यू का इंपैक्ट मार्केट प्राइस पे भी आता है, तो हमारी मार्केट प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। या फिर ऐसा समझो कि तुमने अगर हमारी कंपनी 50 रुपये लगा रखे तो 10 तो दे दिए हमने तुम्हें, ठीक है, तो अब आपको, आप मार्केट में बेचोगे तो अब आपको कितने मिलेंगे, इसके 40 ही मिलेंगे। अच्छा, ये भी ये कोई रूल नहीं है प्रैक्टिकली कि 10 से ही कम हो, कम होगी ये रूल है, लेकिन 10 से ही कम होगी ये रूल नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं दिखेगा तुम्हें, कितनी भी कम हो सकती है। डिविडेंड दिया है उससे तो कम कम होगी, ऐसा नहीं कि 20 से कम हो जाए, लेकिन 10 से ही कम हो ये जरूरी नहीं, 8 से भी हो सकती है, 2 से भी हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको डीजी की, जिसमें नंबर ऑफ शेयर आपको 1 लाख के दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख के, और अर्निंग पर शेयर आपको 25 दे रखा है, 1 लाख है, ईपीएस कितना है 25 है, पी रेशो आपका 20 है, पी रेशो कितना है 20 है, और आपका बुक वैल्यू 400 है, इस शेयर का बुक वैल्यू कितना है 400। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में फ़र्क होता है, बुक वैल्यू हमारे हिसाब से जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कुछ भी चलती है। कंपनी रीपरचेस करना चाहती है 5000 शेयर्स, कितने रीपरचेस करना चाहती है, 5000 है मेरे में, तो तूने आंसर भी देख लिया परिश्ते, पच्चीस से करा है टीडीएफ में, 25000 है, 25 ही लो फिर, पच्चीस से ही करा है इसे। चलो तो इन्होंने रीपरचेज किए हैं 25000, सही कर लो भाई बुक में, कितने शेयर रीपरचेज किए हैं 25000, और बुक वैल्यू आपकी 400 है, ठीक है। आपको बताना है कि ये रीपरचेज करने से बुक वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बुक वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, ईपीएस इनटू पी रेशो, तो आपका ईपीएस कितना है 25, पी रेशो कितना है 20, तो कितना आएगा 500, पी रेशो होगा तो प्राइस अपॉन अर्निंग, अर्निंग उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा प्राइस आ जाएगा, कितना आएगा 500। अब मैंने शेयर रीपरचेज करने हैं तो इस प्राइस पे करूंगा मैं रीपरचेज, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1 लाख, और बुक वैल्यू कितनी है 400, ठीक है। अब मैं 25000 शेयर रीपरचेज कर रहा हूँ, तो अगर मैं डिविडेंड, इसमें इन्फॉर्मेशन भी होती कि मैं इतने का डिविडेंड दूंगा, तो मैं नंबर ऑफ शेयर को डिविडेंड से मल्टीप्लाई करता, फिर मेरा अमाउंट आता कि इतने में रीपरचेस करूंगा, उसको मैं 500 से डिवाइड करता, मार्केट वैल्यू 500, तो नंबर ऑफ शेयर्स आते, इसे तो नंबर ऑफ शेयर 25000 दे ही रखे कि इतने में रीपरचेस करूंगा, तो मुझे डिविडेंड की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर सुन लो, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर ये मुझे बोलता कि मैं इतने का डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, तो वो डिविडेंड को मैं नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये ग्रॉस अमाउंट है जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो तरीके होते हैं इसके, या तो मैं इसको कैश में दे दूं, या अपने शेयर्स रीपरचेस कर लूं। शेयर रीपरचेस करने का मतलब है कि सामने वाला क्या करे, जितने उसको डिविडेंड दूं वो डिविडेंड कैश में ना लेकर मेरी कंपनी में दोबारा रीइन्वेस्ट कर ले, इसको हम रीपरचेस बोलते हैं, ठीक है। बहुत पहले एक लेक्चर में पढ़ाया अपने, ये फर्स्ट वाले लेक्चर। अब जो अमाउंट आता उतने का डिविडेंड मुझे देना है, और वो मैं डिविडेंड ना देकर रीपरचेस करना चाहूँ तो डिवाइड कर देता उसको मार्केट प्राइस से, तो मेरे को पता चल जाता इतने शेयर्स मेरे को रीपरचेस करने, लेकिन इसमें रीपरचेस कितने करने वो दे ही रखे हैं, तो हमें डिविडेंड की जरूरत नहीं है। अब मैं 25000 शेयर रीपरचेस करूंगा, तो शेयर्स रीपरचेस 25000 इंटू 500 कितना आएगा, ये 1 करोड़। अब इसने बुक वैल्यू पूछी है, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी आएगी मेरी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, अभी मेरी करंट बुक वैल्यू कितनी है, करंट बुक वैल्यू अभी 400 है मेरी बुक वैल्यू, और इनटू करूँ 1 लाख से तो 4 करोड़ है मेरी बुक वैल्यू, कितनी है, यही अभी मेरी बुक वैल्यू, लेस कर दो इसमें से जो शेयर मैंने रीपरचेज करे हैं, शेयर्स रीपरचेज 1 करोड़, तो अब कितनी बचेगी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू 2 करोड़, और बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आएगी, पर शेयर 2 करोड़ 75 लाख
डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, कितने शेयर्स, 367 ले ले, ये ले। क्या हुआ मतलब, देखो आपकी अभी बुक वैल्यू इतनी है 4 करोड़, जब आप शेयर को रीपर्चेस करोगे तो उनको वो वैल्यू आपकी बुक वैल्यू में से कम नहीं होगा, मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये होता है फॉर्मूला बुक वैल्यू। आया है कहीं पे, आया है कहाँ है बताओ, सोचो, हाँ सीओसी में कहाँ आया है, डब्ल्यूएसीसी में आया है, हाँ अरे तो वही बुक में भी था, ये शीट में भी था, बुक में भी था, डब्ल्यू बुक वैल्यू इस तरीके से निकलती है, तो मैंने बताया था जो आपके शेयर्स है वो भी आपके ही है और जो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो भी आपका ही, तो ये और ये प्लस होंगे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होंगे तो जाके क्या आती है बुक वैल्यू। अब जब आपने इनको रीपर्चेज किया 500 रुपये पे, तो 400 रुपये तो बुक वैल्यू चली थी, वो शेयर कैपिटल में से कम हुआ, जो 100 रुपये आपने दिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से या पीएनएल में से जहां से भी दिया आपने वो भी तो कम हुआ, तो ये वाला और ये वाला दोनों ही तो अमाउंट कम हुए और नीचे नंबर ऑफ शेयर कम हुए, सही तो कराया बिल्कुल। आप जब शेयर रीपर्चेस करोगे तो आपकी शेयर कैपिटल कम होंगी, और आपने जो उनको ज्यादा रुपए दिए 400 के लिए 500 दिए, तो जो 100 रुपये दिए वो आपने या तो प्रीमियम में से दिए होंगे एसपीआर में से या प्रीमियम पीएनएल में से दिए होंगे, तो अगर आप पीएनएल और प्रीमियम में से दोगे तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो आपका उतने अमाउंट से रिजर्व एंड सरप्लस भी कम होगा, और बेहतर समझाऊं तो कैश भी कम होता, अगर मैं उतना ही पैसा कैश में देता तो डिविडेंड मेरा कैश में से कम होता तो टोटल एसेट कम होती, टोटल एसेट कम होगी तो बुक वैल्यू तो कम आएगी ही सही, पूरे से ही तो कम होगा। चलो ये समाप्त हुआ आपका चैप्टर, मन करते भाई।